Hello everyone, I hope you are doing well. So welcome to my YouTube channel that is Struggle of UK Students. अगर आप मेरे YouTube पर नए हैं तो प्लीज़ guys मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो कि अगर मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करता हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले. सो जो आज का टॉपिक है वो है कि जैन इनटेक कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जैन इनटेक में आ रहे हैं 2021 में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं कि हमारा जैन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, या यूनिवर्सिटीज़ हमें कैश लेटर इशू करेंगी या नहीं करेंगी. सो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए. सो आई होप कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए और कहीं ना कहीं आपको एक रिलैक्स मिलेगा कि और ये कहीं ना कहीं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होगा. बिकॉज़ आई नो कि हम सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि हमारा इनटेक ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, यूनिवर्सिटीज़ हमें कैश लेटर इशू करेंगी या नहीं करेंगी. सो ये सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करूँगा. सो गाइस, सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि आपके जो मन में जो क्वेश्चंस है कि जैन इनटेक कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा. सो मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि जैन इनटेक बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हो रहा. जैन इनटेक में आप सब लोग स्टूडेंट्स आओगे. हाँ, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लाइक आपका कैश लेटर लेट हो सकता है. बिकॉज आपको पता है कि विंटर वेकेशन चले हुए थे, जैसे 18 दिसंबर को कोई यूनिवर्सिटीज़ बंद हो चुकी थी और कुछ 17 को, और जो यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही हैं वो 5th जैन से और मे बी 6th जैन से वो स्टार्ट हो जाएंगी सभी यूनिवर्सिटी, और वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगी. क्योंकि इन हॉलीडे में उन्होंने किसी क्वेश्चंस का रिस्पांस नहीं दिया क्योंकि हॉलीडे थे, बट आफ्टर कंप्लीटिंग हॉलीडे अब वो यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं और वो सभी आपके क्वेश्चंस की, आपके क्वायरीज़ का आंसर देंगी. सो इसके लिए आप डरना छोड़ दो कि आपका जैन इनटेक कैंसिल हो रहा है. बिल्कुल भी जैन इनटेक कैंसिल नहीं हो रहा है. एंड सेकंड क्वेश्चन होता है कि कैश लेटर हमें इशू होगा या नहीं होगा, या यूनिवर्सिटी कैश लेटर इशू कर रही हैं और कब तक करेंगी. स्टूडेंट्स, जैन इनटेक के लिए यूनिवर्सिटीज़ अब जाके कैश लेटर इशू करेंगी. कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने दिसंबर में कैश लेटर इशू करना स्टार्ट कर दिया था, बट लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जैन इनटेक के लिए अब कैश लेटर इशू कर रही हैं. तो ये आप बिल्कुल डरना छोड़ दो कि आपको कैश लेटर आपका अभी नहीं आया, कब आएगा, या हमारा कैश लेटर आएगा या नहीं आएगा. सो आपका कैश लेटर ज़रूर आएगा गाइज. एंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि हमारा इनटेक ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, मींस ऑन कैंपस होगा. सो गाइस, देखो जो आपको ये करता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ पर. अगर यूनिवर्सिटीज़ में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रेफर करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करती है. अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट या 50% स्टूडेंट्स ऑन कैंपस चूज़ करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ ऑन कैंपस प्रेफर करती है स्टूडेंट्स को, चाहे उसमें आपको रूम में 15 स्टूडेंट्स आपको स्टडी करवाएं या 20 के. बट लेकिन ड्यू टू द COVID-19 यहाँ पे सिस्टम आपको ब्लेंडेड एजुकेशन या ब्लेंडेड स्टडी करनी होगी. यहाँ पे कुछ क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं और कुछ क्लासें फिजिकल चलती हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी होती हैं. सो आपको ब्लेंडेड स्टडीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे आकर. कुछ क्लासेस आपके ऑनलाइन होंगी और कुछ क्लासेस आपकी ऑन कैंपस होगी, जहाँ पे आपको ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जाके क्लासेस लेनी होगी. सो मैं सोचता हूँ कि मैंने ये तीन क्वेश्चंस को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है कि जैन इनटेक बिल्कुल कैंसिल नहीं हो रहा है और जैन इनटेक में कैश लेटर अब इशू होंगे, यूनिवर्सिटीज़ अब कैश लेटर इशू करेंगी. सो ये आपको मन से हटा देना चाहिए कि हमारा कैश लेटर आएगा या नहीं. एंड थर्ड क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि हमारी स्टडी ऑनलाइन होगी या ऑन कैंपस होगी. सो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे और स्टूडेंट्स पे कि कितने स्टूडेंट्स प्रिफ्रेंस देते हैं ऑनलाइन को या ऑफ कैंपस को. सो
और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको प्लीज़ ये कहना चाहूँगा कि गाइस, आप अगर एजेंट के थ्रू पूछते हो कि मेरा कैश राइड कब आएगा, तो वो भी कभी कभी उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है जब हम बार बार रिपीट क्वेश्चंस करते हैं एजेंट को। सो गाइस, मेरी तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब आपके पास ऑफर लेटर है तो वहाँ पे आपको ईमेल मिलती है साइड में, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली एडमिशन टीम को मेल भेजिए कि मेरा कैश लेटर। आपको क्या करना है, आपको अपना नेम और स्टूडेंट आईडी नंबर लिखना है और आपको सीधा क्वेश्चंस पूछना है कि मेरा कैश लेटर कब आ रहा है। 3, 4, 5 डेज में आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा और वो डायरेक्ट आपको कॉल करते हैं या डायरेक्ट आपको ईमेल करते हैं, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल एंड फॉरवर्ड आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। और प्लीज़ गाइस, आप बार बार अगर रिपीट करते हो यूनिवर्सिटीज़ को, सो ऑलरेडी यू नो कि यूनिवर्सिटीज़ के बाद बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, तो रिप्लाई देना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यूनिवर्सिटीज़ को। सो मैं चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस थे और जो आपका फियर था वो दूर हो गया होगा। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, सो प्लीज़ गाइस, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर करो। मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और जो जैन 2021 के लिए आ रहे हैं उनको बेस्ट विशेज मेरी तरफ से। एंड मैं आपको बहुत ही जल्द यूके में दिखूंगा गाइस। सो स्टे गाइस, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।